जब हम और आप अपने घरों में त्योहार की खुशियां मना रहे होते हैं, वहीं एक सैनिक अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से खड़ा रहता है। हम अपने घरों में सुरक्षित सो सकें, उसके लिए एक सैनिक रात भर अपनी आंखें खुली रखता है, पर वो हमेशा चिंता में लगा रहता है अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। इसी सुरक्षित भविष्य की तलाश उसे नौकरी के रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। उसे भी अपने भविष्य की चिंता थी, वो भी सैनिक था। इसी चिंता को समाप्त किया डायमंड शिप को अचीव कर सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को लीडर के रूप में पहचान दिलाई। श्री नुवासा राव ओलेटी। श्री पोलेटी राजेंद्र और श्रीमती सरस्वती की दूसरी संतान श्री नुवासा राव, जिनका जन्म हुआ 18/4/1988 को, वो अपनी बड़ी बहन से छोटे थे। एक बेटी एक बेटे वाला छोटा सा परिवार। श्री राजेंद्र जी की आय का साधन खेती था। खेत में दिन रात मेहनत कर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। इन्हीं अभावों में श्री नुवासा की शिक्षा की व्यवस्था की गई गांव रामकृष्णपुरम के प्राथमिक विद्यालय में, जहां से पांचवी की शिक्षा को पूर्ण किया। पिता के साथ मेहनत सीखी। अभावों के दौर में सरकारी स्कूल के हॉस्टल में रह श्रीपुरम के ZPH स्कूल से आठवीं की शिक्षा को पूर्ण किया और गवर्नमेंट हॉस्टल में ही रहकर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सोमपेटा से दसवीं की शिक्षा को पास किया। बारहवीं की गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बरुआ से। इसी शिक्षा के दौर में NCC की ट्रेनिंग ली, जिसने आर्मी में जाने के जुनून को बढ़ा दिया। इधर बहन की शादी हो गई और उधर पिता जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से दूसरे शहर बल्लारी जाकर काम की तलाश करने लगे और यहीं एक स्टील फैक्ट्री में काम करने लगे। श्री नुवासा भी अपने घर के हालात को समझते हुए JSW स्टील प्लांट में फिटर की नौकरी पर लग गए। आर्मी में नौकरी का प्रयास जारी था। यही प्रयास सफल हुआ जब दूसरे प्रयास में नौकरी ज्वाइन हो गई। 12/9/2006 में आर्मी में चयन हुआ और अपने पसंद की नौकरी ली। 4 साल नौकरी की और नौकरी के ही साथ पढ़ाई भी जारी रखी। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से BA उत्तीर्ण कर ली। माता पिता ने उम्र देखी और अरुणा पोलिटी को जीवन संगनी के लिए चुन लिया। 11/3/2011 में शादी करवा दी। अरुणा ने परिवार और श्री नुवासा का साथ दिया। नौकरी की पदोन्नति की तैयारी करते श्री नुवासा एक बेटी के पिता बने। शर्मिता का जन्म हुआ। घर में खुशियां आई। शिक्षा में डिप्लोमा लिया और NSG के ब्लैक कैट कमांडो हो गए। और इसी समय सेफ शॉप ने दस्तक दी। 2016 में सेफ शॉप को देखा पर नेगेटिव थे तो ज्वाइन नहीं किया। फॉलो अप होने पर सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। काम पसंद आया तो सीख कर काम करने लगे, पर अपलाइन ने साथ छोड़ दिया। इधर आर्मी को पता लगा तो RR में ट्रांसफर कर दिया, जहां टीम से संपर्क कर पाना मुश्किल था। 3 साल गुजर गए और टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया।
वापस जब फील्ड में लौटे तो सेफ शॉप अपने साथ अपनी टीम को लेकर खड़ा था। वहीं से फिर से शुरुआत करी, पर सबसे पहले चयन किया मेंटर का। चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और छोड़ा करे, और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। देखा है ख्वाबों को बिखरते हुए, गमों से घर भरते हुए, मैंने देखा है मंजिलों से पहले कहीं, ख्वाहिशों को डरते हुए, लगता है मुझसे ही होके गुजरे हैं सारे गम, कैसे ना भीगे मन। राहुल सारस्वत सर को मेंटर के रूप में चुना और उनके साथ उनके सानिध्य में ट्रेनिंग लेना और टीम से मिलना शुरू किया। अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ, डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। टीम डेवलप्ड हुई, टारगेट अचीव हुए, पर कोविड का भी दौर आया। पर श्रीनिवासा अपनी टीम को उस समय भी गाइड करते रहे। 2021 में एक बेटे जसप्रीत के पिता बने। इसी समय निर्णय ले आर्मी से VRS ले लिया और अपने बच्चे के बचपन को देखने और टीम को संभालने में लग गए। इसी टीम ने आज उन्हें डायमंड शिप को अचीव करवाने में मदद की और सेफ शॉप में डायमंड लीडर के रूप में स्थापित किया। श्रीनिवासा पॉलिटी डायमंड लीडर। अटल है गर्व, हम है पर्व, हम है असीम, रॉयल रॉयल टाइगर सी, रॉयल टाइगर सी। सपने पाले हमने साकार किया है, तूफानों से बवंडरों से मचल के आंख मिलाते हैं, जहां जाने से मृत्यु का बेताल ढोक बढ़ जाते हैं, सकल विश्व के हम है विजेता, जिसकी गवाही